गुरु जी की नगरी, प्यार की नगरी और स्वाद की नगरी अमृतसर से एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दीपक। इस बार मैं पहुंचा हूं अंदरून अमृतसर में। इंग्लिश में इससे बोला जाता है ओल्ड अमृतसर, और ओल्ड अमृतसर की अगर बात की जाए तो ज्ञानी जी लस्सी वाले एक बहुत बड़ा नाम है। आप जब भी इस दुकान पर पहुंचेंगे आपको हमेशा यहां पर ग्राहकों का रश दिखाई देगा। लोग दूर दूर से आते हैं यहां पर इनकी स्पेशल लस्सी पीने के लिए। अमेजिंग प्लेस है, अमेजिंग लस्सी है। आइए चलते हैं अंदरून अमृतसर की गलियां और बाजारों में अमृतसर की वन ऑफ द वेरी फेमस और ओल्ड दुकान ज्ञानी जी लस्सी वाले के पास। चलिए चलते हैं। और ये दुकान इतनी ज़्यादा फेमस है कि आप जब भी इस दुकान पर पहुंचेंगे आपको लोगों का रश दिखाई देगा। कोई भी सेलिब्रिटी जो अमृतसर में आता है यहाँ पर लस्सी पिए बिना नहीं जाता है। खैर, यहाँ पर दो दुकानें हैं, ज्ञान दी लस्सी और ज्ञानी पंजाबी लस्सी, दोनों इक्वली फेमस हैं। लेकिन आज हम जा रहे हैं ज्ञानी जी लस्सी वाले के पास। आ जाइए। और भाई साहब ये देखिए जो सरदार जी हैं लस्सी बनाने में लगे हुए हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, क्या हाल है? बहुत बढ़िया, तुसी सुनाओ? बहुत बढ़िया जी। तुहाडी लस्सी बहुत बढ़िया जी। अच्छा जी, क्या बात है। कितनी पुरानी दुकान है? 1927। क्या बात है, 1927। और कितने शुरू किए की थी सर? दादाजी, तुहाडे दादाजी ने। चौथी जनरेशन आ गई। क्या बात है जी, चौथी जनरेशन बिजनेस में आ चुकी है जी। साढ़े तक तीसरी है बेटा आंदा। आपकी तीसरी है, अगर बेटे आ चुके हैं, चौथी जनरेशन है। और कौन कौन सी लस्सी मिलती है जी आपके यहाँ पर? लस्सी पाँच छः प्रकार की। ज़्यादा कौन सी है जो दादाजी के टाइम से चलती है? पेड़े वाली और पंजाबी। पंजाबी और पेड़े वाली। और सर सारी सेलिब्रिटी भी थोड़े को आते हैं? हाँ जी। किन्नू किन्नू पे आई हो सर आप? जी अमीशा पटेल है जी, खली है, खली नु भी, तो रॉबर्ट सुजा, अक्षय, सब लस्सी पी चुके हैं जी। जो भी सेलिब्रिटी अमृतसर में आता है श्री हरमंदिर साहब में माथा टेकने के बाद यहाँ ज्ञानी जी की लस्सी पीने और ये चेक कीजिए जो मलाई है वो दही की परात के ऊपर से उतारी जा रही है और यहाँ पर जो बर्फ है उसके ऊपर रखी जा रही है। और एक ही आ गया जी, ये रबड़ी है। ये रबड़ी है, ये रबड़ी है। अरे वाह, और स्टाइल बड़ा पुराना है। जैसे पुराने समय में सेटअप था बैठने का, बस वैसा ही सेटअप है। बैठकर लस्सी बनाई जाती है, सर्व की जाती है। जैसे आजकल आप जाएंगे बड़े बड़े शोरूम बन जाते हैं, वैसा कल्चर यहाँ पर नहीं है। ये चीज़ अच्छी है। और सिंह साहब इतना था की पाते हो लस्सी जो हर कोई दीवाना थोड़ा की कहोगे? प्योरिटी है जी, प्योरिटी है। सिंह साहब ने बोला कि प्योरिटी है जो दादाजी से चलती आ रही है। फादर साहब ने वही किया, वही और आगे यही, वो भी वही टेस्ट, पुराना टेस्ट, वही टेस्ट पुराना, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं। ये भी बनाने लगे पेड़े वाली पेड़े वाली लस्सी। क्या बात है, इसमें कैसे बनती है बताइए थोड़ा? पेड़ा डल गया जी। किस चीज का बनता है जी? मावे का। मावे का, मावे का पेड़ा, इसका मक्खन निकालेंगे। अच्छा, पेड़ा गया जी, पेड़ा है बर्तन में चला गया है, इसको गड़वी बोला जाता है, पित्तल की ये गड़वी है। कुचा, क्या बात, पित्तल का कुचा, पित्तल का कुचा, पुराना लोहे कुचा ही है। पंजाबी का क्या, कितना पुराना है ये? 50-60 साल पुराना। 50-60 साल पुराना है, हमारे आने से पहले। इसको तो मदानी बोला जाता है ना? ये मदानी है। दिखाइए जरा, मदानी दिखाएंगे। ये देखिए, ये पुराने समय में आपको मिलेगी, आप बहुत कम दुकानों पर। बनवानी पड़ती है, खराब हो जाती बनवानी पड़ती है। ये तो बहुत जोर लगता है जी इसको। हाँ जी, हाँ जी, पूरे पसीने छूटते हैं, बाजू दर्द होने लगती है जी। क्या बात है, डोले छोले सनी देओल जैसे बन जाते हैं इसको बनाने में। बनाने कई कुछ हो जाता है जी। और ये बीच बीच में हल्का थोड़ा पानी डालेंगे, मक्खन निकलेगा जी। अच्छा, पेड़ से अभी मक्खन निकाला जा रहा है? अभी मक्खन निकल रहा है, फिर दही डालेगा। क्या बात है, क्या बात है। अंकल जी की कहोगे, कितना भी लगी लस्सी? अरे मुझे पूछो ही ना। हाँ, मतलब एक अद्धे का नशा आ गया, दारू का एक अद्धे का नशा आ गया। किसको आए हो तुम? जयपुर तो। ये निकला है जी मक्खन। और ये देखिए, ये मक्खन निकल आया है पेड़े से। ये मलाई है जी दही की, और दही खुद तैयार किया जाता है जी सारा? सब कुछ आप, सिर्फ हमने दूध ही परचेज करना है बाहर से, बाकी हर चीज खोया, पनीर, दूध, सब कुछ जी। और ये जा रहा है जी, जो दही है
वो सारे का सारा जो कुज्जा है उसमें जा चुका है जी, और ऑलरेडी जो पेड़ा है उसका मक्खन निकाल लिया गया है, उसको साइड पर रख दिया गया है। अभी जो लस्सी है हाथ से रिड़की जाएगी, और ये जा रही है जी लस्सी चीनी। हेलो, पैसे लो। अभी कितने गिलास तैयार कर रहे हो जी आप? ये 7-8 गिलास हो जाएंगे। 7-8 गिलास बन जाते हैं एक बारी में बन जाते हैं। अरे वाह, दोबारा से फिर उसको हाथ के साथ रिड़का जा रहा है। बस बस बस, और ये जा रही थी बर्फ कूड़ा दे बाहर। क्या बात है, 12 महीने चलती है सिंह साहब ये? 12 महीने। सर्दी में भी लोग आते हैं ऐसे? चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, ज्ञानी जी की इस दुकान पर आपको रश ऐसे ही देखेगा। और ये जा रहा है जी जो मक्खन निकाला गया था, मक्खन ऊपर डलेगा जो नीचे वाला रस है वो जा रहा। अच्छा, जो उसका रस है वो मिक्स किया जा रहा है। थोड़ा सा दूध ये गया जी, दूध। चलो, और ये लस्सी हमारी पेड़े वाली स्पेशल ज्ञानी जी की पंजाबी लस्सी एकदम से तैयार है जी। क्या बात, क्या बात है जी। और ये आगे जी मलाई नॉर्मली होता है, दही के ऊपर आती है। और ये जा रहा है जी जो मक्खन पेड़े से निकाला गया। क्या बात, क्या बात। और अब जाकर रेडी हुई है जी ज्ञानी जी की जो पेड़े वाली स्पेशल लस्सी है। रेडी है जी? रेडी। थैंक यू जी। तो जनाब, ये आ गया जी हमारा पेड़े वाली लस्सी का गिलास। और यहाँ पर आप जब भी आएंगे आपको जो रश है ऐसे ही दिखेगा। 20 मिनट आधा घंटा लग जाता है जी लस्सी लेने में, और लोग वेट करते हैं क्योंकि हर किसी को पता है कि जो स्वाद यहाँ पर मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। और इधर चेक कीजिए, ये देखिए, साथ में चम्मच दिया जाता है क्योंकि ये जो लस्सी है ये पीने के साथ साथ खाई भी जाती है। और चेक कीजिए, जो पेड़ा है, जो दूध से दूध को काट कर ये पेड़ा तैयार किया जाता है, उसे मक्खन निकाला जाता है, बीच में मिक्स किया जाता है, बीच में दही के ऊपर वाली जो मलाई है वो मिक्स की जाती है, जिससे तैयार होती है ज्ञानी जी की स्पेशल लस्सी। और सबसे पहले एकदम से फ्रेश है, जो मीठा है बहुत सही वाला मीठा है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। और अगर आप कम चाहते हैं तो आप पहले इनको बोल सकते हैं। स्पेशली जो पेड़े को रगड़ करके जो मक्खन तैयार किया गया ना, जो उसका फ्लेवर आ रहा है बहुत ज़्यादा सही है। और गिलास का साइज चेक कीजिए, तगड़े वाला गिलास है। अभी जो लस्सी है उसको पीते हैं। जस्ट अमेजिंग है, ऐसा जायका है, बोलूँगा कि अगर आप अमृतसर में जायकों की बात करें तो यहाँ पर आना मत भूलिएगा, इसके बिना आपकी अमृतसर की फूड वॉक अधूरी रह जाएगी। जस्ट अमेजिंग है। और अगर आप ऐसा गिलास पी लेते हैं ना तो 2 से 3 घंटे आपको भूख नहीं लगेगी, ये बात पक्की है। लोकेशन की बात करूं, कटरा शेर सिंह इस लोकेशन को बोला जाता है। तो चलिए मैं इसको ख़त्म कर लेता हूं। आप प्यार ऐसे ही देते रहिए, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। एक बार फिर से मिलूंगा दमन के साथ, कैमरे लिए हुए अमृतसर की गलियों और बाज़ारों में, नई वीडियो के साथ। प्यार देते रहिए, लव यू ऑल।